दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सभ्यताएं आई और लुप्त हो गई। धरती की शुरुआत से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान विकसित होता गया। हमारी आम धारणा तो यही है, लेकिन ये बात सच नहीं है। हमसे पहले भी एक से बढ़कर एक उन्नत और विकसित सभ्यताओं का अस्तित्व था। जैसे द्वारिका, श्री कृष्ण की इस नगरी की खोज पानी के अंदर हो चुकी है, जो किसी कारणवश पानी में डूब गई थी। ऐसा ही एक भव्य शहर था अटलांटिस। इस एपिसोड में हम अटलांटिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो अटलांटिस में रह चुका है। इसलिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। पानी हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां खोए हुए शहर, लुप्त खजाने, रहस्यमय जहाज और चमत्कारी जीव जंतुओं के अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। इन रहस्यों में सबसे पहला नंबर आता है अटलांटिस शहर का। आज से 2300 वर्ष पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था। प्लेटो के अनुसार ये शहर आज से 11300 वर्ष पहले मौजूद था और एक दिन के अंदर पानी में समा गया था। ये शहर बेहद उन्नत और विकसित था। कहा जाता है ये इतना खूबसूरत था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। यहां आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे। ये शहर दरअसल एक द्वीप था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहां के लोग आत्मनिर्भर थे, जो यहीं खेती करते थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी करते थे। यहां इमारतें काले और लाल पत्थर से बनाई जाती थी। साथ ही ये लोग सभी मेटल्स के बारे में जानकारी रखते थे और उनका इस्तेमाल भी करते थे। माना जाता है यहां के लोग लेरियन तारा मंडल से 50,000 साल पहले आए थे और वो इस ग्रह के नहीं थे। वो आज के इंसानों से कई ज्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे, जिनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी थी। वो मौसम और ज्वालामुखियों को नियंत्रित कर सकते थे और उनकी औसत उम्र 800 साल होती थी। उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसके जरिए वो टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। मान्यताओं के अनुसार इस भव्य शहर का निर्माण पोसाइडन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। पोसाइडन एक बार सबसे बड़े द्वीप की खोज में थे। तभी उन्हें एक द्वीप मिला जहां बेहद खूबसूरत लोग रहते थे। वहां एक खूबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम क्लीटो था। पोसाइडन को उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उस बंजर द्वीप में एक भव्य शहर का निर्माण कर दिया। ये शहर क्लीटो के लिए बनाया गया था और उसका नाम अटलांटिस रखा गया। इसके बाद पोसाइडन को क्लीटो पर शक होने लगा और उसे दुनिया से दूर रखने के लिए पोसाइडन ने क्लीटो को एक पहाड़ पर कैद कर दिया था, जिसका नाम द हिल ऑफ क्लीटो पड़ा। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि इस शहर की लोकेशन कहां हो सकती है। लेख के अनुसार ये शहर एक बड़े भूकंप या सुनामी की वजह से समंदर में समा गया था। प्लेटो के अनुसार ये शहर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में होना चाहिए, तो कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि ये शहर स्पेन के पास मौजूद हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स की खोज के अनुसार ये सिटी अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में छुपी हो सकती है। आज तक इस सिटी की लोकेशन एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, एडगर केसी एक मशहूर साइकिक थे, जो भूतकाल और भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे। उन्होंने लगभग 15,000 भविष्यवाणियां ऐसी की हैं जो सच साबित हुई। एडगर केसी ने अटलांटिस के बारे में भी वर्णन किया है। केसी ने लिखा कि अटलांटिस एक बेहद उन्नत सिविलाइजेशन थी, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेकर गिब्राल्टर तक फैली हुई थी।
एडगर के अनुसार बिमिनी दरअसल अटलांटिस के पहाड़ों में से एक है। एडगर ने बताया कि आज से 12,000 वर्ष पहले समुद्र का लेवल आज से 300 फीट नीचे था और बहुत सारा भूभाग जो आज पानी के नीचे है दरअसल विशाल आइलैंड्स थे। एडगर के अनुसार टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने की वजह से अटलांटिस का शहर तबाह हुआ था। अटलांटिस में रहने वाले कुछ लोग इजिप्ट और युकाटन पेनिनसुला चले गए थे और वो अपने साथ आधुनिक तकनीक लेकर गए थे। एडगर के अनुसार उन्हें पता था कि अटलांटिस तबाह होने वाला है और इसी वजह से उन्होंने अटलांटिस से संबंधित रिकॉर्ड्स इजिप्ट, बिमिनी और युकाटन में छुपाए थे। एडगर का कहना है कि अटलांटिस की खोज बहामास में होगी। दोस्तों, मैटियास डी स्टीफानो नाम के एक व्यक्ति अर्जेंटीना में रहते हैं जिनका दावा है कि वो अटलांटिस शहर में रह चुके हैं और उनका अगला जन्म अर्जेंटीना में हुआ है। जब वो 3 वर्ष के थे तब से ही उन्हें अपने पिछले जन्मों की झलकियां दिखाई देने लगी थी और जब वो 12 वर्ष के हुए तब उन्हें पूरी तरह से अपनी अटलांटिस में बिताई जिंदगी याद आ चुकी थी। वो इन यादों को ड्राइंग के जरिए प्रदर्शित करते थे और अपनी मां को दिखाया करते थे। उनका कहना है कि आज से 12,000 साल पहले वो इजिप्ट में अटलांटिस की एक कॉलोनी में रहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अटलांटिस को दूसरी दुनिया से आए लोगों ने 30,000 साल पहले बनाया था। अटलांटिस की पहली कॉलोनी अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन समुद्र तक फैली हुई थी। उस समय 12 ऐसे परिवार थे जो पूरी दुनिया पर राज करते थे। उस काल में महिलाएं राज किया करती थी और उस समय का पूरा ज्ञान पानी, बर्फ और क्रिस्टल में रिकॉर्ड किया गया। मैटियास का कहना है कि अटलांटिस को हमारी गैलेक्सी का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया था। वो आज भी लोगों को वो चीजें सिखा रहे हैं जिन्हें उन्होंने अटलांटिक में अपने जन्म के दौरान सीखा था। दोस्तों, इस गुत्थी को आज तक नहीं सुलझाया जा सका है कि क्या सचमुच अटलांटिस का शहर था। कुछ एक्सपर्ट्स इसके अस्तित्व को पूरी तरह मानते हैं तो कुछ इसे एक कहानी समझते हैं, लेकिन ऐसे शहर दुनिया में जरूर रहे हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय थे। उदाहरण के तौर पर द लॉस्ट सिटी ऑफ जी, ज्ञानगंज और द्वारिका। आप अटलांटिस के अस्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।